कि सारे परीक्षाओं में सफल रही बाकी है। चुड़ैल दामिनी नागमणी हासिल करने के बाद अपरूप ब्रह्मांड पर राज करने वाली होती है, जहाँ पे चुड़ैल दामिनी का मनसूबा पानी पार्वती फेर देती है। जहाँ उसे नागमणी मिली, उसी नागमणी से उसी शक्ति उसे हासिल करती है, जहाँ शिवाय को भी जिंदा करती है। लेकिन चुड़ैल दामिनी अपने मनसूबे में कामयाब नहीं हो पाती, जहाँ उसे गुस्से में चुड़ैल दामिनी कुछ गलत कर बैठती है। जहाँ पार्वती अपनी नागमणी हासिल करती है, जहाँ चुड़ैल दामिनी को गुस्सा होता है, जहाँ चुड़ैल दामिनी को सबक सिखाने वाली है पार्वती और शिवाय को भी जिंदा कर पाएगी पार्वती। जहाँ पूरे